Hello, hello everyone. Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, vastu consultant and an astrologer. And ये वीडियो की सीरीज़ है रिगार्डिंग मार्च मंथली रीडिंग्स. यहाँ पर मैं लव रीडिंग भी इंक्लूड कर रही हूँ. स्टार्टिंग में लव रीडिंग से वीडियो आपका स्टार्ट होगा एंड एंड में आपकी करियर रीडिंग आपको देखने मिलेगी. सो यू नो, जो भी सेक्टर में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या दोनों सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, आप आराम से वीडियो देख सकते हो. टू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो रीडिंग आपको कैसी लगी है, कितना रेजोनेट हो पाए हो, आई वुड लव टू नो. उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके. एंड द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग, इस मंथ में 6 मार्च को लव रिलेशनशिप कोर्स स्पेशली फॉर वुमेन्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ. एंड सो सीट्स काफ़ी लिमिटेड हैं. इस कोर्स में आपको क्या सीखने मिलेगा, स्पेशली फॉर ऑल दी वुमेन्स आउट देयर, कि उनके रिलेशनशिप में जितनी भी आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं, या आई नो सब कुछ सही चल रहा होता है, सडनली डिसअपियर हो जाते हैं, चीटिंग आप एक्सपीरियंस करते हो अगेन एंड अगेन, तो ऐसा क्या एक पैटर्न है जो आप अपनी लाइफ में बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हो एंड क्या आप उसको चेंज करना चाहते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स और लिख दूंगी. सो अगर आप उस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर उसके लिए नो आप इंक्वायरी कर सकते हो, बुकिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. जो लोग ये वीडियो मेरा बाद में देखेंगे, 6 मार्च बीत चुकी है, सो उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हो. नेक्स्ट जो भी स्लॉट या बैच आ रहा होगा सो उसके लिए आपको डिटेल्स मिल जाएंगे एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं तभी. सो एंड ऑल्सो इसलिए मैं कहती हूँ इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें या फेसबुक पर, बिकॉज इंस्टाग्राम पर सारी क्विक अपडेट्स, डेली अपडेट्स ऑफ एनी न्यू लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट्स या कोर्सेज, एवरीथिंग वहाँ पर अपडेट आती है. सो यू नो इसी वजह से यू कैन ऑल्सो फॉर क्विक अपडेट्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑल्सो ऑन फेसबुक. डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल हैं. सो ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडियक साइन क्या कहते हैं टैरो का, जिसके बाद में आपकी राशि वाला वीडियो शुरू हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो पाइसेस, सो देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर लव लाइफ एंड देन हम जान लेंगे करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं. सो पहली चीज़, आप कैसा फील कर रहे हो, पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं फॉर द मार्च मंथ में. ओके, सो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है द स्टार के कार्ड हैं, जो बता रहा है कि नो अपनी लाइफ में आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो और आपकी काफ़ी उम्मीदें हैं यूनिवर्स और ऊपर वाले से. आप काफ़ी प्रार्थना करो कि नो जो भी आपकी विश है पूरी हो जाए, रिलेशनशिप में हीलिंग आ जाए एंड मोस्टली मेरे को हाई चांसेस दिख रहे हैं कि वो चीज़ होने के भी चांसेस अच्छे हैं. जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, शादी के लिए अच्छे रिश्ते आते हुए दिख रहे हैं, बात बन सकती है. एंड यहाँ पर अगर आपके पार्टनर से बातचीत नहीं हुई है सो ये मंथ में आपके पार्टनर थोड़े से ओपन अप हो सकते हैं बातचीत के लिए. रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में, लव लाइफ को लेकर एक इम्प्रूवमेंट, कम्युनिकेशन की तरफ चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं. एंड ये मंथ में आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज भी दिखाते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर. देखो थोड़े से कंट्रोल्ड इशूज़ हैं यहाँ पर, एंजल गाइडेंस में भी आपके लिए कंट्रोल इशूज़ की बात आई है. देखो आप या आपके पार्टनर में भी चीज़ों को ना बार बार झगड़े भी शायद इसके लिए हो जाते हैं, शायद कोई कंट्रोल इश्यूज है, या तो आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करते हो या वो कर रहे हैं, या मे बी कोई चीज़ ही ऐसी है जो आप दोनों के कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, बट सर उस पर बार बार बातचीत कर कर, डिस्कशन कर कर लड़ाइयाँ ही हो रही हैं. तो इस टाइप के नो जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर डिस्कशन ना करें एंड एक दूसरे का फ्रीडम को मेंटेन करके चले. एंड ऑल्सो बातों को बहुत लंबे टाइम तक पकड़ के मत रखो, वो सिर्फ आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है पाइसेस, ये चीज़ों का ध्यान रखें. एंड आगे अगेन दी एस ऑफ सोर्ड्स के कारण है जहाँ पे दिख रहा है कि थोड़े बहुत बीच में मिसकम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ में हो सकते हैं, थोड़ा सा तेज़ बोल सकते हो आप या आपके पार्टनर, तो थोड़ा सा यू नो इन चीज़ों को हो सके तो अवॉइड कीजिएगा. बट अगर मान लो हो भी जाती है किसी चीज़ पे बहस तो वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगी, ठीक हो जाएगी, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स कहते हैं कि थोड़े बहुत यू नो ब्लंट या हम थोड़ा सा रूड कह सकते हैं दूसरे का दिल दुख सकता है, तो थोड़ी सी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें. बट अगर ऐसा हो भी जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, ठीक हो जाएगा.
एंड आगे देखो, जैसे मैंने ये बताया कंट्रोल इश्यूज वाला एंगल था, ये एक मुझे दिख रहा, बाकी एक सरप्राइज कार्ड है आपके लिए जो आया है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ वेडिंग। सो यू नो शादी के कार्ड्स आए हैं जो इंडिकेट कर रहा दैट यू नो पहली चीज़ तो आपके इसमें शादी के योग चलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप देख रहे हो मैरिज के लिए तो मैरिज के रिश्ते आने के अच्छे चांसेस हैं, आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट आता हुआ दिखता है, कोई ना कोई एक रिलेशनशिप में अपग्रेड होना या इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। या कार्ड्स आपको कहना चाहते हैं कि जो आपका करंट पार्टनर है उससे शादी के अच्छे योग एंड चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी अच्छी है, हो सकती है उनसे। तो ये कुछ ऐसी वाइफ मेरे को दिख रही है। इट्स अ गुड रीडिंग, मैं अब इसे बुरी रीडिंग नहीं कहूँगी। इसमें मेरे को ये जो सारे मैसेजेस दिखे हैं आपके लिए अच्छे दिखे हैं, कोई ऐसी नेगेटिविटी मुझे नहीं दिखी अभी तक रीडिंग में। सो लॉट ऑफ पॉजिटिव मैसेजेस एंड हीलिंग एनर्जीज मेरे को दिख रही है आपकी रीडिंग में। सो यू नो आपके करियर एंगल में भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स। ओके, जो सबसे पहला कार्ड आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, काफ़ी अच्छी सक्सेस एंड एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं। ट्रैवल के भी योग बने हुए दिख रहे हैं, जॉब के लिए देख रहे हो जॉब मिलती हुई दिख रही है पाइसेस। एजुकेशन में हो तो अच्छे से आपका फोकस रहेगा, पैसे कमाते हुए दिख रहे हो। आगे द सन के कार्ड है, द कार्ड ऑफ प्रमोशन सक्सेस एंड सेलिब्रेशन। एंड उसके साथ में भी एक और सेलिब्रेशन का कार्ड है, द थ्री ऑफ कप्स के कार्ड। देखो यहाँ पे भी तीन यू नो स्मॉल स्मॉल गर्ल्स डांस कर रही हैं, यहाँ पे बिग लेडीज डांस कर रही है, बट इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन। इट्स अ ग्रेट वाइब फॉर यू नो। सो यू नो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कोई ना कोई चीज़ भी आप अपने करियर में या कोई रिजल्ट आने वाला हो ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, शायद वो रिजल्ट अच्छा है, पॉजिटिव आए, या जो भी चीज़ का आप अपने करियर में इंतज़ार कर रहे हो कि भाई ये चीज़ हो जाएगी तो मुझे खुशी मिलेगी, भाई वो हो सकता है। ऑल ओवर बेस्ट रीडिंग एज पर करियर पाइसेस। आई होप आप ये एनर्जी को एक्सपीरियंस करें एंड ये चीज़ जो भी आपकी इच्छा है पूरी हो। आगे भी देखो एंजल कार्ड्स भी कह रहे हैं द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। कुछ ना कुछ जो चीज़ अभी तक आपकी रुकी हुई थी, अटकी पड़ी थी, वो अब होती हुई दिख रही है। सो यू नो फटाफट से चीज़ें वर्कआउट होना शुरू होती हुई दिख रही हैं। कार्ड्स कह रहे हैं डोंट लूज कॉन्फिडेंस, यू आर गुड इनफ। अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी चीज़ के लिए आप अब तक इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। जो भी आपके दिल दिमाग में कश्मकश थी करियर को लेके, उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। जो सवाल आप भगवान को पूछ रहे थे भाई इसमें मुझे क्या करना चाहिए, क्या होगा, कब मिलेगा, वो आंसर्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। सो गेट रेडी यू नो Pisces, इट्स अ ग्रेट रीडिंग इन टर्म्स ऑफ करियर एनर्जी को लेकर। बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स एंड वाइब मेरे को दिख रही है आपके करियर एंगल में। सिमिलरली लव लाइफ में भी काफ़ी अच्छी होप्स मेरे को दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है कि रिकवरी और इम्प्रूवमेंट के चांसेस आपकी लव लाइफ में बने हुए हैं। ऑल ओवर यू नो आप यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी यू नो होप दिखाए थे लव लाइफ में भी, लाइक यू आर प्रेइंग एंड वो यूनिवर्स को प्रार्थना करी। द स्टार इज़ द कार्ड ऑफ होप, कि डोंट लूज होप, थिंग्स विल गेट बेटर। सेम इन योर करियर एंगल ऑल्सो। सो वेरी गुड रीडिंग आई वुड से पाइसेस। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। इफ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।